कितनी पुर असर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है मेरे अल्लाह, इसलिए मेरी दुआओं का सिलसिला कायम है अभी तक। और जानते हो सुकून क्या है? अपने रब से अकेले में बैठकर गुफ्तगू करना। और पता है मोहब्बत क्या है? नमाज से किसी को तहज्जुद पर ले आना। एक दर्द भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठकर गुजार दी जाए तो ज़िंदगी की बाकी रातें जागकर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद जगा देता है। तुम्हें क्या लगता है, जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है, तो क्या वो तुम्हें बिला वजह जगाए हुए हैं? नहीं, ये तड़प तो अल्लाह ने पैदा की है। हर चीज़ नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो इसकी जानिब बुलाया जाता है। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। तुम रातों को उठकर अल्लाह से मांगो तो सही, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस दुआ का है। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आ रहा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का परवाना मिल चुका है। तुम्हारी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा चुकी हैं। तुम बस दुआ मांगो, बाकी इस पर छोड़ दो। क्या पता उसे तुम्हारा मांगना इतना पसंद हो कि वो तुम्हें और सुनना चाहता हो। अल्लाह से दुआ है कि आपकी हर एक दुआ कबूल हो। आमीन।